तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। वैसे सवाल कांग्रेस पहले भी उठा रही है, लेकिन अधीर रंजन क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकते। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं, तो ये भी एक देखने की चीज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी चुनाव कराए जाते तो अच्छा लगता। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाकर वोट डाला जाएगा तो निष्पक्ष तरीके से ये वोट लिया जाए। हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग।